जस्सी मिट्ठू लव स्टोरी, क्राइम की ऐसी कहानी जिससे दहल गया था पूरा पंजाब और कनाडा। जब भी अमर प्रेम कहानियों की बात आती है तो लोग राधा कृष्ण, सलीम अनारकली, हीर रांझा, लैला मजनू, सोहनी माहिवाल इत्यादि की प्रेम कहानियों को ही याद करते हैं। इन अमर प्रेम कहानियों की श्रेणी में एक और प्रेम कहानी को शामिल किया जा सकता है और ये कहानी है जस्सी मिट्ठू की प्रेम कहानी। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि बिल्कुल सच्ची कहानी है और ये कोई सदियों पुरानी कहानी नहीं बल्कि यही कोई 22-23 साल पुरानी घटना की कहानी है। इस कहानी का अंतिम पन्ना लिखा जाना आज भी बाकी है, वो कैसे जानेंगे इस वीडियो में आगे। जस्सी मिट्ठू की प्रेम कहानी में ना तो दो देशों की सीमाएं बाधा बनती हैं और ना ही एक दूसरे की हैसियत आड़े आती है, मगर फिर इस प्रेम कहानी में ऐसा मोड़ आता है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होती है। तो आखिर जस्सी मिट्ठू की प्रेम कहानी क्या है, इस प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी और आगे क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से। हम कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। साल था 1994। नवंबर की ठंडी शाम में पंजाब के लुधियाना जिले के जगराओं शहर के कमल चौक के नजदीक टेम्पो स्टैंड पर सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू नाम का एक 20-22 साल का युवक अपने दोस्तों के साथ गांव तक जाने वाली टेम्पो का इंतजार कर रहा था। सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्ठू पंजाब के गांव के खोंसा गांव का रहने वाला था। मिट्ठू का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता था। मिट्ठू ने 12वीं तक की पढ़ाई की थी और फिर पढ़ाई छोड़कर वो कबड्डी खिलाड़ी बन गया था। चूंकि टेम्पो अब तक आई नहीं थी इसलिए ये सभी दोस्त टेम्पो का इंतजार करते हुए आपस में ही हंसी मजाक कर रहे थे। तभी इन लोगों की नजर सामने की सड़क पर पड़ती है जहां से तीन महिलाएं इसी तरफ आ रही थीं। जब ये तीनों महिलाएं करीब आती हैं तो वो लोग देखते हैं कि उन तीनों में से दो महिलाएं कुछ उम्रदराज हैं जबकि उनके साथ एक लंबी कदकाठी की बेहद खूबसूरत लड़की है। लड़की की उम्र यही कोई 20 साल के आसपास होती है। वो तीनों भी टेम्पो स्टैंड पर ही रुक जाती हैं। उन तीनों को गांव के कला गांव जाना था। थोड़ी देर बाद जब तक टेम्पो आकर रुकती है तो वो तीनों उसी टेम्पो में सवार हो जाती हैं जबकि वहां मौजूद युवकों में से कुछ युवक टेम्पो के अंदर बैठते हैं जबकि अंदर जगह खत्म होने पर बाकी के युवक टेम्पो के पीछे लटक जाते हैं। मिट्टू भी टेम्पो के पीछे ही लटकता है और टेम्पो चल पड़ती है। उन दो महिलाओं के साथ वो जो लड़की थी वो टेम्पो के पिछली सीट पर बैठती है जबकि सुखविंदर उर्फ मिट्ठू उसी लड़की के ठीक पीछे बाहर लटका रहता है और ऑटो अपने मंजिल की तरफ बढ़ती रहती है। सफर के दौरान मिट्ठू नोटिस करता है कि वो लड़की बार बार उसे घूम कर देख रही है और इस बात के लिए सुखविंदर के दोस्त उसे मजाकिया अंदाज में आंखों ही आंखों से चिढ़ाना भी शुरू कर देते हैं और दबी जबान में बातें भी करने लगते हैं कि शायद तुम उस लड़की को पहली ही नजर में पसंद आ गए हो इसलिए वो तुम्हें बार बार देख रही है। हालांकि मिट्ठू उनकी बातों को यूं ही उड़ा देता है। इन्हीं सबके बीच इन लोगों का गांव आ जाता है और सभी टेम्पो से उतर जाते हैं। टेम्पो से उतरने के बाद जैसे ही मिट्ठू अपने रास्ते की तरफ बढ़ता है तभी वो थोड़ा पीछे मुड़कर देखता है। ठीक उसी समय वो लड़की भी पीछे की तरफ मुड़ती है और एक साथ दोनों की नजरें मिलती हैं। नजरें मिलते ही दोनों मुस्कुरा देते हैं और फिर दोनों अपने रास्ते निकल जाते हैं। लड़की की एक मुस्कान से मिट्ठू की नींदें उड़ जाती हैं और वो देर रात तक उसे ही याद करता रहता है और इसी बीच कब उसे नींद आ जाती है पता भी नहीं चलता। ऑटो वाली लड़की से आंखें दो चार होने के बाद जसविंदर सिंह सिद्धू काफी खुश था। अब सुबह हो चली थी और रोज की तरह सिद्धू अपने काम में लग चुका था। अभी वो घर के अंदर कुछ काम ही कर रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। गौर किया तो पता चला कि ये किसी लड़की की आवाज है जो हेल्प हेल्प की आवाज लगा रही है। आवाज सुनकर मिट्ठू तुरंत घर से बाहर निकलता है और फिर जो वो नजारा देखता है उसे देखते ही उसके दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो जाती हैं। ये वही लड़की थी जो कल शाम टेम्पो में मिली थी और जाते हुए मिट्ठू को देखकर मुस्कुराई थी। मिट्ठू देखता है कि वो लड़की अकेले ही स्कूटर पर आई है और उसे देखते ही आवाज लगाती है कि मेरा स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, मेरी मदद करो। इतना सुनते ही मिट्ठू तुरंत उस लड़की के पास जाता है और स्कूटर में कुछ चेक करने के बाद स्कूटर को स्टार्ट कर देता है और स्कूटर उसी लड़की के हवाले कर देता है। अब तक इन दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की थी
और बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मगर जैसे ही लड़की स्कूटर पर बैठती है और थोड़ा आगे बढ़ती है कि वो धीमी आवाज में मिट्टू से कहती है, मैं गल करना चाहूंगी, मतलब मैं बात करना चाहती हूँ। इतना सुनते ही मिट्टू बिल्कुल हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ाहट में ही मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिलाता है और फिर कहता है कि हम कल जंगराव में मिलेंगे। दरअसल स्कूटर खराब तो बहाना था, असल मकसद तो मिट्टू से मुलाकात करना था। अगले दिन अच्छे से सज धज कर मिट्टू जंगराव पहुंचता है और कुछ देर बाद लड़की भी उस जगह पर पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और थोड़ी देर मुस्कुराते रहते हैं, फिर थोड़ी बहुत बातें होती हैं और फिर अगले दिन मिलने का वादा करके दोनों चले जाते हैं। बातचीत के दौरान लड़की बताती है कि उसका नाम जसविंदर कौर सिद्धू है, प्यार से लोग उसे जस्सी बुलाते हैं। वो कनाडा में परिवार के साथ रहती है, यहाँ वो अपने ननिहाल सर्दियों की छुट्टी मनाने आई है। कल जो उसके साथ ऑटो में दो और महिलाएं थीं, उसमें एक उसकी माँ थी जिनका नाम मलकीत सिद्धू है, जबकि उसके साथ दूसरी महिला उसकी मामी थी। इस मुलाकात के बाद सिद्धू घर वापस आ जाता है और उस लड़की के बारे में दोस्तों से जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। जानकारी जुटाने के दौरान मिट्टू को पता चलता है कि जस्सी का ननिहाल उसके पड़ोसी गांव के सबसे अमीर घर में है, उन लोगों की तूती यहां बोलती थी। जस्सी के ननिहाल वाला घर कोई मामूली घर नहीं था, बल्कि वो बहुत बड़ी हवेली थी जिसका पिछला दरवाजा दूसरे मोहल्ले में रहने वाले मिट्टू के दो कमरे वाले छोटे से घर की तरफ खुलता था। मिट्टू ने बस 12वीं तक ही पढ़ाई की थी, जबकि जस्सी ने कनाडा के बड़े यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी। मिट्टू को ये बातें भी पता चलती थीं कि जस्सी का पूरा परिवार वर्षों पहले कनाडा में शिफ्ट हो चुका है और कनाडा में इन लोगों का बहुत बड़ा कारोबार है। उस जमाने में ये लोग कनाडा में करोड़ों की जमीन के मालिक थे और कनाडा के अरबपतियों में इनकी गिनती होती थी। मतलब जस्सी के ननिहाल वाले गांव के सबसे बड़े जमींदार थे और कनाडा में भी जस्सी के परिवार वाले किसी बड़े जमींदार से कम नहीं थे। वैसे तो जस्सी के माता पिता समेत पूरा परिवार ही कनाडा में रहता था और सब मिलकर बिजनेस संभालते थे, मगर पूरे परिवार पर हुकूमत जस्सी के मामा सुरजीत बादशाह की चलती थी। परिवार और बिजनेस से जुड़ा हर छोटा बड़ा फैसला सुरजीत बादशाह ही लिया करते थे। उसके बाद जस्सी की माँ मलकीत कौर सिद्धू का नंबर आता था। ये सब कुछ जानने के बाद मिट्टू इतना तो समझ चुका था कि एक तरफ जस्सी का परिवार गांव में भी जमींदार था और कनाडा में भी इनका अरबों का साम्राज्य था, जबकि मिट्टू उनकी तुलना में बहुत ही मामूली किसान था। मतलब उन दोनों के बीच पैसों की बहुत ऊंची दीवार थी। मिट्टू को यह डर भी सताने लगा था कि शायद जस्सी को उसकी हैसियत के बारे में पता चलेगा तो वो भी मुंह मोड़ लेगी। लेकिन उसे कहां पता था कि जस्सी ने उसकी हैसियत से नहीं बल्कि उससे प्यार किया है। पहली मुलाकात के बाद जस्सी और मिट्टू आए दिन मिलते रहते हैं और देखते ही देखते इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। इस तरह अभी कुछ ही दिनों की मुलाकात हुई थी कि जस्सी बताती है कि वो वापस कनाडा जा रही है, क्योंकि वापसी का टिकट पहले ही बन चुका था और अब जाने के दिन नजदीक आ गए थे। ये सुनने के बाद मिट्टू उदास हो जाता है और जस्सी का भी मन भारी हो जाता है, लेकिन जस्सी कहती है कि वो हर साल सर्दियों के मौसम में आती रहेगी और मुलाकात करती रहेगी। साथ ही वो ये भी कहती है कि हम फोन और लेटर के जरिए आपस में बात करते रहेंगे। जस्सी को मिट्टू से इतना ज्यादा प्यार हो जाता है कि जब भी उसे मौका मिलता था वो मिलने आ जाया करती थी। हालांकि उसे कनाडा वापस जाने का जरा भी मन नहीं था, लेकिन परिवार वालों के सामने वो मजबूर थी। उसे अब कनाडा जाने में बस दो ही दिन बचे हुए थे, तभी जस्सी अपना दिमाग लगाती है और पासपोर्ट को ही फाड़ कर फेंक देती है और कहती है कि पासपोर्ट गुम हो गया है। इस तरह परिवार के बाकी सदस्य तय समय पर कनाडा चले जाते हैं, जबकि पासपोर्ट ना होने की वजह से जस्सी को रुकने का मौका मिल जाता है और फिर दोनों दुनिया की नजरों से छुप छुप कर मिलते रहते हैं। चूंकि जस्सी का ननिहाल काफी रसूख वाला था, इसलिए महज 15 दिनों के अंदर जस्सी का नया पासपोर्ट बन जाता है और आखिरकार उसे वापस कनाडा जाना ही पड़ता है। भले ही जस्सी मिट्टू से दूर चली जाती है, मगर दोनों का मन अब मिल चुका था और एक दूसरे के बिना किसी को चैन नहीं आता था। कनाडा पहुंचने के बाद जस्सी अक्सर पत्रों के जरिए मिट्टू से बात करती रहती है और महीने में एक बार जगराव के एक पीसीओ पर एक दूसरे से फोन पर भी बात करते हैं। इसके अलावा वादे के मुताबिक जस्सी हर साल सर्दियों के मौसम में अपने ननिहाल भी आती है। इस तरह दुनिया की नजरों से छिप कर मिलते जुलते 4 साल से अधिक समय गुजर जाता है और इन दोनों का प्यार और ज्यादा गहरा हो जाता है।
अब साल आ चुका था 1999। हर साल की सर्दियों की तरह इस साल भी जस्सी अपने परिवार के साथ कनाडा से पंजाब आती है। मगर इस बार जस्सी के परिवार वालों का मकसद सिर्फ छुट्टी बिताना नहीं था, बल्कि वो यहाँ जस्सी की शादी कराने आए थे। परिवार वालों ने जस्सी के लिए पास के ही गांव के जमींदार के लड़के को पसंद भी कर लिया था और अब बस कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करना बाकी रह गया था। जस्सी लगातार शादी का विरोध करती है और कहती है कि अभी उसे शादी नहीं करनी है, मगर परिवार वालों ने फैसला कर लिया था तो इसके आगे जस्सी की मर्जी कोई मायने नहीं रखती थी। जस्सी ने खुलकर परिवार वालों को नहीं बताया था कि वो मिट्टू से प्यार करती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर परिवार वालों को इस बारे में बताया तो वो तुरंत इस रिश्ते को मना कर देंगे और शायद मिट्टू को नुकसान भी पहुंचाएंगे। इसी डर से वो चुप रहती है। वैसे जस्सी के परिवार में कोई एक था जो जस्सी के बेहद करीब था, जिससे जस्सी अपने दिल की बातें शेयर किया करती थी। वो थी जस्सी की एक और आंटी। हालांकि मिट्टू से प्रेम की बात अब तक जस्सी ने इनसे भी नहीं बताई थी, लेकिन जब जस्सी को कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो वो अपनी उस आंटी के पास जाती है और उन्हें सारी कहानी बताते हुए कहती है कि अगर मिट्टू से मेरी शादी नहीं होती है तो मैं उसके बिना मर जाऊंगी। सारी कहानी जानने के बाद जस्सी और मिट्टू मिलकर एक प्लान बनाते हैं और इस काम में अपनी उस आंटी की मदद लेते हैं। प्लान ये था कि अगर ये दोनों चुपचाप शादी कर लेते हैं तो शादी हो जाने के बाद जस्सी के परिवार वालों को मिट्टू को स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसी के बाद जस्सी और मिट्टू 15 मार्च 1999 को परिवार वालों की नजरों से बचकर एक गुरुद्वारे में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जस्सी वापस घर आ जाती है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है। इधर जस्सी के परिवार वाले जो रिश्ता जस्सी के लिए देख रहे थे वो भी किसी कारण टूट जाता है। इस तरह 2 महीने पंजाब में रहने के बाद जस्सी परिवार वालों के साथ कनाडा चली जाती है। जाते हुए ये वादा करती है कि वो बहुत जल्द वापस आएगी और हमेशा के लिए यहीं रहेगी। जस्सी के कनाडा जाने के बाद फिर से मिट्टू और जस्सी फोन तथा पत्रों के जरिए ही आपस में बात करते रहते हैं। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। इसी बीच साल 2000 की शुरुआत में भारत में ही रहे जस्सी के कुछ रिश्तेदारों को मिट्टू और जस्सी की शादी का पता चल जाता है और वो लोग तुरंत इसकी जानकारी जस्सी के माता पिता को कनाडा में दे देते हैं। इसके बाद से ही कहानी में तेजी से मोड़ आता है और जस्सी तथा मिट्टू की जिंदगी में तूफान आना शुरू हो जाता है। इधर जस्सी के ननिहाल वाले गांव में मिट्टू पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं और उधर कनाडा में जस्सी की माँ और मामा जस्सी पर इस शादी को तोड़ने का दबाव बनाने लगते हैं। लेकिन ना तो यहाँ मिट्टू इस बात के लिए मानता है और ना ही जस्सी इस रिश्ते को खत्म करने के लिए राजी होती है। यहाँ मिट्टू को पैसे तथा जमीन का लालच दिया जाता है कि ये सब लेकर इस रिश्ते को खत्म कर दो, जबकि वहां जस्सी को भी महंगी गाड़ियां, घर और प्रॉपर्टी का लालच दिया जाता है, मगर वो भी मानने के लिए तैयार नहीं होती है। अंत में जस्सी की काफी पिटाई भी होती है, फिर भी वो इस रिश्ते को खत्म करने के लिए नहीं मानती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन जस्सी की माँ कहती है कि अब जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता है, इसलिए अब हमने फैसला किया है कि हम भी इस रिश्ते को स्वीकार लेंगे और मिट्टू को कनाडा बुलाकर यहाँ बड़ी धूमधाम से फिर से शादी करेंगे, ताकि दुनिया की नजरों में हमारी कोई हंसी ना हो। इसके बाद फिर से परिवार का माहौल सामान्य होना शुरू हो जाता है। इन्हीं सबके बीच एक दिन जस्सी की माँ जस्सी के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाती है और कहती है कि इन पर सिग्नेचर कर दो ताकि मिट्टू को कनाडा लाया जा सके। जस्सी उन डॉक्यूमेंट्स को उलट पलट कर देखती है तो पता चल जाता है कि वो डॉक्यूमेंट्स मिट्टू से ही जुड़े हुए थे, इसलिए वो एक के बाद एक सभी पेपर्स पर सिग्नेचर कर देती है। अब असल खेल यहीं से शुरू होता है। दरअसल जस्सी की माँ ने जिन डॉक्यूमेंट्स पर जस्सी का सिग्नेचर लिया था उसमें एक डॉक्यूमेंट ऐसा भी था जिसमें यह लिखा हुआ था कि सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्टू ने मेरे साथ, यानी जसविंदर सिंह सिद्धू उर्फ जस्सी के साथ, जबरदस्ती हथियार के बल पर शादी की है। उसने मुझे किडनैप कर लिया था, मुझ पर हमला भी किया था, फिर मौका मिलने पर मैं परिवार वालों के साथ कनाडा चली आई। इस डॉक्यूमेंट पर जस्सी का सिग्नेचर लेने के बाद जस्सी के परिवार वाले उस पेपर को पंजाब पुलिस के पास भेज देते हैं और उसके आधार पर मिट्टू पर FIR दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। चूंकि पंजाब में भी जस्सी का परिवार काफी रसूख वाला था, इसलिए उसी एक डॉक्यूमेंट के आधार पर यहाँ मिट्टू पर अपहरण, जबरन शादी, अवैध हथियार इत्यादि की धाराओं के तहत FIR दर्ज हो जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार के बाद जेल में उसे बुरी तरीके से पीटा जाता है। कई महीने तक मिट्टू को यूं ही जेल में रखा जाता है। इसी बीच जब जस्सी को पत्रों का जवाब नहीं मिलता है
तथा फोन पर भी मिट्टू से बात नहीं हो पाती है। तो अंत में एक दूसरे दोस्त के जरिए जस्सी को यह पता चलता है कि जबरन शादी, अपहरण इत्यादि के इल्जाम में मिट्टू जेल में बंद है। तब जाकर जस्सी को समझ आता है कि उसकी मां ने धोखे से उसका सिग्नेचर लेकर मिट्टू को फंसाया है। इसके बाद जस्सी किसी तरह भारत आती है और कोर्ट में जाकर गवाही देती है कि मिट्टू ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, बल्कि हमने अपनी मर्जी से शादी की है और मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। इस बयान के बाद मिट्टू को जेल से रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद जस्सी कुछ समय तक भारत में रहती है, लेकिन फिर उसके परिवार वाले उसकी मर्जी के खिलाफ उसे जबरदस्ती कनाडा लेकर चले जाते हैं। कनाडा पहुंचते ही घर के अंदर ही जस्सी को नजरबंद कर दिया जाता है और इधर भारत में सुखविंदर पर कई तरह के फर्जी केस दर्ज करवा दिए जाते हैं। कनाडा में जस्सी को अपने ही घर में कड़ी सुरक्षा के बीच नजरबंद रखा जाता है। हालांकि इसी बीच एक दिन जस्सी को मौका मिल जाता है और वो स्थानीय रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की मदद से परिवार वालों की कैद से छूटकर भाग निकलती है और 12 मई 2000 को वापस भारत चली जाती है और अपने पति सुखविंदर सिद्धू उर्फ मिट्टू के साथ रहने लगती है। इस बार जस्सी पूरे इरादे के साथ आती है कि वो अब कभी भी कनाडा वापस नहीं जाएगी। कहा जाता है कि कनाडा से भागने में जस्सी की मदद पुलिस के साथ साथ उसके पिता ने भी की थी। जस्सी भारत तो आ गई थी और अपने पति के साथ रहने भी लगी थी, मगर इन लोगों को भी अच्छे से अंदाजा था कि अब उसके परिवार वाले खामोश नहीं बैठेंगे और इन लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए जस्सी के भारत आते ही मिट्टू जस्सी को लेकर अपने घर से दूर चला जाता है और दोनों छुप कर रहने लगते हैं। वैसे तो जस्सी और मिट्टू डर के मारे छिप कर जी रहे थे, मगर 7 जून 2000 को कनाडा से एक फोन आता है और फिर सब कुछ सामान्य दिखने लगता है। दरअसल कनाडा में रह रहे जस्सी के मामा अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए पता करवा लेते हैं कि वे लोग कहां छिपे हुए हैं। पता चलता है कि मिट्टू अपने किसी रिश्तेदार के यहां रह रहा था। उस रिश्तेदार का नंबर निकलवाया जाता है और फिर फोन किया जाता है। ये फोन जस्सी की माँ करती है। फोन करते ही जस्सी की माँ कहती है कि जस्सी से बात करवाओ, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। खुशखबरी है, इतना सुनते ही जस्सी को फोन दे दिया जाता है। जस्सी के फोन लेते ही उसकी माँ कहती है, ओए पुत्र, एक ही किता, चल कोई गल नहीं, अब जो तेरी खुशी सो हमारी, तूने अपने मन की कर ली जस्सी, अब हमें अपने मन की करने दे, बड़े अरमान थे तेरी शादी के, तू आ जा पुत्र, मैं सबको समझावंगी, धूमधाम से तेरी शादी करवावंगी, तू बिल्कुल फिक्र ना कर, मिट्टू और तेरा ब्याह कायदे से होगा ताकि बिरादरी में हमारी नाक भी बची रहे, हम गांव आ रहे हैं पुत्र, तू आ जा। इस एक फोन कॉल से अचानक सब कुछ बदल गया। अब खुशियां मनाने की तैयारियां होने लगी, लोग खुलकर जीने लगे। जस्सी भी काफी खुश हो जाती है और कहती है कि देखो, मैंने कहा था ना कि माँ एक दिन मान जाएगी, और आखिरकार माँ मान गई। जस्सी की माँ ने यह नहीं बताया था कि वो कब तक आएगी, इसलिए मिट्टू के परिवार वाले तय करते हैं कि उन लोगों के कनाडा से आने से पहले हम लोग अपनी ओर से एक पार्टी करते हैं। प्लानिंग के बाद तय होता है कि 12 जून को रायकोट में रहने वाले मिट्टू के एक रिश्तेदार के यहाँ शादी की खुशी में एक पार्टी होगी। चूंकि अब इन लोगों को किसी का डर नहीं था, इसलिए अगले ही दिन जस्सी मिट्टू से कहती है कि अब तक तो हम डर के साए में छिप छिप कर जी रहे थे, लेकिन अब किसी बात का डर नहीं है, सो तुम मुझे कहीं घुमाने ले चलो। 12 जून को पार्टी भी रखी गई है तो मैं थोड़ी शॉपिंग भी कर लूंगी। जस्सी के कहने पर 8 जून को मिट्टू जस्सी को एक स्कूटर पर बाजार लेकर जाता है। जस्सी की माँ ने फोन करके जरूर मिट्टू और जस्सी के मन का भय दूर किया था, मगर मिट्टू के परिवार वालों को अब भी डर लग रहा था। इसलिए जब मिट्टू जस्सी को लेकर बाजार के लिए निकलता है तो घर वाले हिदायत देते हैं कि अच्छे से जाना और जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाना। जस्सी और मिट्टू बाजार चले जाते हैं और इधर मिट्टू के परिवार वाले भी अलग अलग तैयारियों में लग जाते हैं। जस्सी और मिट्टू को बाजार गए कुछ घंटे हो गए थे, मगर ये लोग अब तक वापस नहीं आए थे, जबकि उन्होंने कहा था कि जितनी जल्दी हो सकेगा वो वापस आएंगे। इसलिए घर वाले इनकी वापसी का इंतजार करने लगते हैं, मगर इनका इंतजार लंबा होने लगता है और फिर ये सभी कुछ अनहोनी की आशंकाओं में डूब जाते हैं। शाम हो चली थी, मगर अब तक जस्सी और मिट्टू बाजार से वापस नहीं आए थे। अब मिट्टू के परिवार वालों को लगने लगता है कि कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर हुई है और फिर सभी मिलकर उन लोगों की तलाश में लग जाते हैं। खोजबीन के दौरान उन लोगों को एक ऐसी खबर मिलती है जो उनकी चिंताओं को सच साबित कर देता है। दरअसल पता चलता है कि मिट्टू बेहद ही गंभीर हालत में अस्पताल में पड़ा हुआ है।
जबकि जस्सी का कोई अता पता नहीं है। परिवार वाले भागते हुए अस्पताल जाते हैं तो पता चलता है कि मिट्टू की हालत बेहद गंभीर है और वो बेहोश है। कई घंटे बाद जब मिट्टू की बेहोशी टूटती है तो वो सबसे पहले जस्सी को ही खोजना शुरू करता है। इधर उसके परिवार वाले भी उससे वही पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। इस पर मिट्टू बताता है कि बाजार पहुंचकर हम दोनों साथ में कॉफी पी रहे थे, फिर जस्सी रंग बिरंगी चूड़ियां, लिपस्टिक, झुमके और गजरे इत्यादि भी खरीदती है ताकि पार्टी वाले दिन अच्छे से सज संवर सके। सभी खरीदारी के बाद बड़ी खुशी के साथ हम दोनों वापस बाजार से आने लगते हैं। मिट्टू आगे बताता है कि अभी ये गांव नारी के थाना अमरगढ़ के पास पहुंचे ही थे कि एक सुनसान जगह पर कुछ लोग उन्हें रुकने का इशारा करते हैं। मिट्टू को दाल में कुछ काला नजर आता है तो वो रुकने की बजाय आगे भागने की कोशिश करता है कि अचानक उन लोगों में से एक व्यक्ति बड़ी सी रॉड से सीधे मिट्टू के सर पर वार करता है। मिट्टू वहीं पर उलट जाता है। वो लोग लगातार मिट्टू की पिटाई करते हैं और अंत में मरा हुआ समझकर पास के नाले में मिट्टू को फेंक कर चले जाते हैं। इसी के कुछ घंटे बाद वहां से गुजर रहे कुछ लोगों की नजर मिट्टू पर पड़ती है और वो उसे उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। मिट्टू ये भी बताता है कि शायद जस्सी को वही गुंडे उठाकर ले गए हैं। पूरी कहानी जानने के बाद लोग जस्सी की तलाश में लग जाते हैं। 8 तारीख की पूरी रात यूं ही खत्म हो जाती है, मगर जस्सी का कहीं कोई अता पता नहीं चलता है। इस बात की जानकारी पुलिस को भी दी जाती है और अब पुलिस भी अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मारपीट और अपहरण की धाराओं के तहत केस दर्ज करने के बाद जस्सी की तलाश में लग जाती है। अंततः 9 जून 2000 को जस्सी की लाश उसके ननिहाल वाले गांव के खोसा से लगभग 45 किलोमीटर दूर एक नहर में मिलती है। वहां से जब जस्सी की लाश को निकाला जाता है तो पता चलता है कि किसी ने बड़ी बेरहमी से जस्सी का गला रेत कर हत्या कर दी है। इसके अलावा जस्सी के शरीर पर दर्जनों गहरे जख्म भी मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि मारने से पहले उसे बुरी तरीके से तड़पाया भी गया था। जब जस्सी की लाश मिलती है तो लाश की पहचान के लिए उसकी मां मलकीत सिद्धू और मामा बादशाह से पंजाब पुलिस कांटेक्ट करती है, मगर ये दोनों जस्सी को पहचानने से सीधा इनकार कर देते हैं। हालांकि मिट्टू और परिवार के कई सदस्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि वो लाश जस्सी की ही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर मिट्टू की इतनी बुरी पिटाई किसने की है और जस्सी को इतनी बेरहमी से किसने मारा है। जस्सी की लाश मिलने के बाद केस में हत्या की धारा भी जोड़ दी जाती है और पुलिस अपराधियों की तलाश में लग जाती है। ताबड़तोड़ छापेमारी का दौर शुरू होता है और शक के आधार पर आसपास के कई बड़े अपराधियों को उठा लिया जाता है। पुलिस इतनी तत्परता इसलिए भी दिखा रही थी कि जस्सी कहने को तो मिट्टू की वाइफ थी, मगर उससे बढ़कर वो एक कैनेडियन नागरिक थी, यानी ये एक विदेशी महिला की हत्या का मामला था। ताबड़तोड़ छापेमारी के बीच आखिरकार पुलिस के हाथ कुछ लोग ऐसे लगते हैं जिनका हाथ जस्सी की हत्या में था। जब उन लोगों से कड़ाई से पूछताछ होती है तो कुछ अपराधी अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और ये बात स्वीकार कर लेते हैं कि उन्होंने ही जस्सी की हत्या की है और मिट्टू की इतनी बुरी तरीके से पिटाई की है। अब सवाल ये था कि आखिर ये सब किसके कहने पर किया गया था, तो जो खुलासा होता है उस पर किसी को भी यकीन नहीं होता है। इस हत्याकांड में शामिल एक अपराधी पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर स्वर्ण सिंह का नाम लेते हुए कहता है कि उसी ने कुछ दिन पहले मिट्टू की हत्या की सुपारी उसे दी थी। अब पुलिस तुरंत इंस्पेक्टर स्वर्ण सिंह की तलाश में लग जाती है और बहुत जल्द उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। अब यही सवाल पुलिस स्वर्ण सिंह से पूछती है कि आखिर ये हत्या तुमने क्यों करवाई है, तो वो बताता है कि ऐसा करने के लिए उसे पंजाब में ही रहने वाले जस्सी के दूसरे मामा दर्शन बादशाह का फोन आया था और इन्होंने मिट्टू को मारने के लिए 3 लाख रुपए देने का वादा किया था। अब पुलिस उन हमलावरों से ये पूछती है कि जब तुम्हें मिट्टू को मारने की सुपारी दी गई थी तो तुमने जस्सी की हत्या क्यों की। इस पर जो खुलासा होता है उसे जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो गुंडे बताते हैं कि मिट्टू की पिटाई के बाद उसे मरा हुआ समझकर उठाकर पास के नाले में फेंक देते हैं और मामा के आदेश के अनुसार जस्सी को लेकर लुधियाना के बुलारा गांव के पास एक फार्म हाउस में चले जाते हैं। फार्म हाउस में जाते ही जब जस्सी की बेहोशी टूटती है तो वो मिट्टू को ढूंढना शुरू कर देती है। इस पर गुंडे बताते हैं कि मिट्टू मर गया है और फिर उनमें से एक गुंडा जस्सी की तरफ मोबाइल बढ़ाता है और कहता है कि बात करो। जब जस्सी फोन लेती है तो उसे उसकी माँ की ही आवाज सुनाई देती है। फोन पर जस्सी की माँ मलकीत सिद्धू कहती है कि अब तू आ जा पुत्र, जो हो गया सो हो गया, तूने एक गलती कर ली, हमने गलती सुधार ली, अब सब कुछ पहले जैसा है,
इतना सुनते ही जस्सी माँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने धोखा दिया है मुझे माँ, मैं पुलिस को, मीडिया को, कानून को, सबको चीख चीख कर बता दूंगी कि तुमने क्या किया, तुम्हारा असली चेहरा कितना घिनौना है माँ। जस्सी के इतना कहते ही वो हमलावर जस्सी से फोन छीन लेता है और वो जस्सी की माँ से बातें करने लगता है। फिर मलकीत सिद्धू कहती है कि थोड़ी देर रुको, मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है। इसके बाद जस्सी के मामा और जस्सी की माँ मलकीत कौर आपस में बातें करते हैं और फिर गुंडों को फोन करके कहते हैं कि जस्सी को मारो, पीटो और धमकाओ तथा मिट्ठू के खिलाफ बयान देने तथा कनाडा वापस आने के लिए कहो। इसके बाद सभी बदमाश बुरी तरीके से रॉड से जस्सी की पिटाई शुरू कर देते हैं। साथ ही कई जगह जस्सी के शरीर पर तलवार से तथा कांच की बोतलों से भी वार किया जाता है। इन सब के बावजूद जस्सी कनाडा वापस जाने और मिट्टू के खिलाफ बयान देने को राजी नहीं होती है। थक हार कर वो गुंडे एक बार फिर से जस्सी की माँ से बात करते हैं और कहते हैं कि किसी भी तरह जस्सी हमारी बातें मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद जस्सी की माँ जो बातें गुंडों को कहती है उसे सुनकर तो एक बार यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि कोई माँ अपनी बच्ची के लिए ऐसा कैसे सोच सकती है। दरअसल इस बार जस्सी की माँ फोन पर कहती है कि अगर जस्सी कोई बात नहीं सुन रही है तो उसे भी खामोश कर दो। शुरू में वो बदमाश ऐसा करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उनकी डील 3 लाख रुपए में सिर्फ मिट्ठू के हत्या करने की हुई थी। इस पर जस्सी के मामा कहते हैं कि जस्सी की हत्या के लिए तुम्हें अलग से 3 लाख रुपए और दिए जाएंगे। इसके बाद वो गुंडे जस्सी को बुरी तरह मारते हैं, उसके शरीर पर तलवार और चाकुओं से वार करते हैं, उसके शरीर पर कांच के टुकड़े चुभाते हैं। जस्सी को बुरी तरीके से तड़पाया जाता है और आखिर में एक गुंडा चाकुओं से जस्सी का गला रेत देता है। इस तरह जस्सी की मौत हो जाती है और उसे वहां से उठाकर दूर नहर में फेंक दिया जाता है। इस खुलासे के बाद जस्सी के भारत में रहने वाले मामा दर्शन बादशाह समेत इस हत्याकांड में शामिल कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और सभी पर अपहरण, हत्या, साजिश रचने इत्यादि की धाराओं के तहत मुकदमा किया जाता है। इसके अलावा इस हत्याकांड में जस्सी की मां मलकीत सिद्धू और उसके कनाडा में रहने वाले दूसरे मामा सुरजीत बादशाह को भी मुख्य आरोपी बनाया जाता है। चूंकि विक्टिम और आरोपी के संबंध कनाडा में भी थे, इस केस की सुनवाई भारत और कनाडा दोनों में ही शुरू होती है। चलिए पहले आपको बताते हैं कि भारत में इस केस में क्या कुछ होता है। भारत में केस की सुनवाई शुरू होती है। सुनवाई के दौरान साबित हो जाता है कि जब जस्सी वापस कनाडा जाने को नहीं मानती है तो वहां उसकी मां मलकीत कौर और मामा सुरजीत बादशाह प्लान करते हैं कि अगर मिट्टू की हत्या करवा दी जाए तो जस्सी जरूर वापस आ जाएगी। इसी के बाद सुरजीत गांव में रहने वाले अपने भाई दर्शन बादशाह से संपर्क करते हैं और उसे मिट्टू को मरवाने का काम देते हैं। इसके बाद दर्शन बादशाह पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर स्वर्ण सिंह से संपर्क करते हैं और इस काम में उसकी मदद मांगते हैं। इसी के बाद स्वर्ण सिंह दर्शन बादशाह की मुलाकात अनिल वर्मा नाम के कॉन्ट्रैक्ट किलर से करवाता है और फिर अनिल वर्मा अपने गैंग के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देता है। लंबी सुनवाई के बाद गिरफ्तार किए गए 12 लोगों में से 11 लोगों को दोषी मानते हुए संगरूर कोर्ट द्वारा 21 अक्टूबर 2005 को सजा सुनाई जाती है। सजा पाने वाले लोगों में जस्सी के एक मामा दर्शन बादशाह, पुलिस इंस्पेक्टर स्वर्ण सिंह और कॉन्ट्रैक्ट किलर का प्रमुख अनिल वर्मा शामिल होते हैं। हालांकि आगे चलकर ये लोग निचली अदालत के फैसले को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देते हैं, जहां से एक एक करके लगभग आरोपियों को बरी कर दिया जाता है या उन्हें बेल मिल जाती है। अंत में केवल जस्सी के मामा दर्शन बादशाह, इंस्पेक्टर स्वर्ण सिंह और कॉन्ट्रैक्ट किलर अनिल वर्मा को ही दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। हालांकि सजा पाए सभी दोषी हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं। यहां भी सुनवाई शुरू होती है और अंततः 16 अप्रैल 2015 को दर्शन बादशाह को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया जाता है। हालांकि अन्य दोषियों को यहां से राहत नहीं मिलती है और उनकी सजा बरकरार रहती है। कनाडा के कोर्ट में क्या कुछ होता है वो जानने से पहले चलिए केस में फिर से थोड़ा पीछे चलते हैं और आपको बताते हैं कि जिस मिट्ठू को गुंडों ने मुर्दा समझकर छोड़ दिया था उनके साथ आगे क्या कुछ होता है। हमले में बुरी तरह घायल होने की वजह से मिट्ठू लंबे समय तक हॉस्पिटल में ही रहता है, लेकिन जैसे ही मिट्ठू ठीक होकर अस्पताल से बाहर आता है उसके खिलाफ एक के बाद एक 7 केस दर्ज कर लिए जाते हैं। कुछ केस अवैध हथियार रखने के थे। मिट्ठू पर ड्रग्स बेचने का भी आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कर लिया जाता है। मिट्ठू पर दबाव बनाए जाने लगता है कि वो अपने बयान से पलट जाए और इस केस को खत्म कर दे।
लेकिन मिट्टू किसी भी तरह मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो हर हाल में जस्सी के कातिलों को सजा दिलवाना चाहता था। मिट्टू पर इतने ज्यादा केस दर्ज होने की वजह से गिरफ्तारी की तलवार लटक ही रही थी कि तभी 2004 में एक महिला ने मिट्टू पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवा लिया। बलात्कार का आरोप लगते ही तुरंत मिट्टू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर अगस्त महीने में उसे दोषी करार देते हुए लुधियाना सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। मिट्टू अगले 4 साल तक इसी जेल में रहता है। हालांकि 4 साल बीत जाने के बाद कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि जिस महिला ने मिट्टू पर बलात्कार का आरोप लगाया था उसका संबंध जस्सी के ननिहाल से था और उसने उन्हीं लोगों से पैसे लेकर मिट्टू पर झूठा आरोप लगाया था। यह साबित हो जाने के बाद 4 साल की कैद के बाद मिट्टू को जेल से आजाद कर दिया जाता है। हालांकि इसके बाद भी उस पर फर्जी केस दर्ज किया जाता रहता है और मिट्टू का जेल आना जाना लगा रहता है। मिट्टू के अलावा उसके भाइयों पर भी अलग अलग आरोप लगते हैं और उनका भी जेल आना जाना लगा रहता है। जब मिट्टू फर्जी केस और धमकियों से भी नहीं डरता है तो साल 2012 के आसपास उसे खरीदने की कोशिश की जाती है। दरअसल इस केस में बयान बदलने के बदले जस्सी के परिवार वालों की ओर से मिट्टू को 1 करोड़ रुपए और बेहद ही प्राइम लोकेशन पर 14 एकड़ जमीन का ऑफर दिया जाता है। लेकिन मिट्टू यहां भी नहीं पिघलता है और इंसाफ की लड़ाई जारी रखता है। चलिए अब बताते हैं कि जस्सी की हत्या के बाद कनाडा में क्या कुछ होता है, क्योंकि इस केस में जस्सी की मां मलकीत सिद्धू और उसके मामा सुरजीत बादशाह मुख्य आरोपी थे और वो कनाडा में थे, इसलिए पंजाब पुलिस अब इन दोनों आरोपियों को कनाडा से भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण का आवेदन करती है और इस केस की सुनवाई कनाडा में भी शुरू हो जाती है। 6 जनवरी 2012 को कनाडा के मेपल रिज से जस्सी की मां मलकीत कौर सिद्धू और उसके मामा सुरजीत सिंह बादशाह को कनाडा पुलिस जस्सी के खिलाफ साजिश रचने और जस्सी की हत्या करवाने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। इसके साथ ही इन दोनों की प्रत्यर्पण सुनवाई भी शुरू होती है। लगभग 2 साल की सुनवाई के बाद 9 मई 2014 को कनाडा के बीसी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ग्रेगरी फिच इन दोनों को भारत भेजने की मंजूरी दे देते हैं। हालांकि इस कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोनों आरोपी सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा में अपील कर देते हैं और फिर कनाडा का सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा देता है और नए सिरे से केस की सुनवाई शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा में इस सुनवाई का फैसला 8 सितंबर 2017 को आता है। कोर्ट की ओर से ये आदेश दिया जाता है कि मलकीत कौर सिद्धू और सुरजीत बादशाह को भारत में दर्ज मामले का सामना करने के लिए भारत भेज देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा के इस फैसले के बाद तुरंत पंजाब पुलिस के 3 अधिकारी मलकीत कौर और सुरजीत बादशाह को लेने कनाडा पहुंच जाते हैं, लेकिन इसी बीच दोनों आरोपी एक बार फिर से कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पेटिशन फाइल कर देते हैं और फिर पंजाब पुलिस को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ता है। उन दोनों को कुछ महीनों के लिए तो प्रत्यर्पण से राहत मिल जाती है, मगर फाइनली 11 दिसंबर 2018 को कनाडा का बीसी कोर्ट ऑफ अपील जस्सी की मां और मामा के रिव्यू पेटिशन को रिजेक्ट कर देता है और उन दोनों के भारत प्रत्यर्पण पर अंतिम मुहर लग जाती है। इसके बाद सभी कानूनी कार्यवाही पूरी करने के बाद अंततः 24 जनवरी 2019 को जस्सी की मां मलकीत कौर सिद्धू तथा उसके मामा सुरजीत सिंह बादशाह को कनाडा पुलिस द्वारा भारत वापस भेज दिया जाता है, जहां दिल्ली पहुंचते ही इन दोनों को जस्सी की हत्या के आरोप में दिल्ली एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें उसी दिन पंजाब ले जाया जाता है। गिरफ्तारी के बाद इन दोनों को 25 जनवरी 2019 को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां से पुलिस को 4 दिन की रिमांड मिल जाती है। रिमांड खत्म होने के बाद दोनों को कपूरथला जेल भेज दिया जाता है। संगरूर कोर्ट में ही इस केस की सुनवाई शुरू होती है। पंजाब पुलिस की ओर से कुल 23 गवाह पेश किए जाते हैं। इसके अलावा जस्सी की मां और मामा के कॉल डिटेल्स को भी बतौर सबूत कोर्ट में पेश किया जाता है। कॉल डिटेल से खुलासा होता है कि जस्सी की हत्या से पहले और हत्या वाले दिन तक कुल मिलाकर जस्सी की मां और मामा की हत्यारों से 266 बार फोन पर बात हुई थी। चलिए फाइनली अब बात करते हैं कि इस केस की स्थिति 2022 में क्या है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने गवाह और सबूत पेश करने के बाद भी आज तक जस्सी की मां और मामा को कोई सजा नहीं हुई है, बल्कि ये केस आज भी संगरूर कोर्ट में चल ही रहा है। और तो और, जिन दोनों को जस्सी का असली गुनहगार मानते हुए पंजाब पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए भारत लेकर आई थी, वो दोनों आज जेल से बाहर आजाद जिंदगी जी रहे हैं। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन बता दें कि जस्सी की मां को
26 दिसंबर 2020 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से बेल दे दी गई थी। उसके बाद से ही मलकीत कौर सिद्धू जेल से बाहर हैं। इसके अलावा जस्सी की हत्या के दूसरे मुख्य आरोपी जस्सी के मामा सुरजीत सिंह बादशाह को भी 1 मार्च 2022 को पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट की ओर से परमानेंट बेल दे दी गई और अब ये भी जेल से बाहर हैं। वेल, असल चौंकाने वाली बात तो ये है कि द ट्रिब्यून इंडिया की 9 जून 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग्स स्मगलिंग के आरोप में मिट्ठू फिलहाल जेल में ही है। इसके अलावा मिट्ठू का भाई भी जेल में बंद है। कुल मिलाकर कहें तो जस्सी की हत्या को 22 साल से अधिक हो चुके हैं, मगर इस केस में न्याय अब तक नहीं हुआ है। हाँ, इन 22 सालों में पैसों का इस्तेमाल जमकर हुआ है। 2019 में खुलासा हुआ था कि जब जस्सी की हत्या हुई थी तो पंजाब में एक डीजीपी रैंक के अधिकारी ने पहले ही दिन से इस केस को कमजोर करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उस डीजीपी ने इस केस के मुख्य जांच अधिकारी रहे तत्कालीन संगरूर एसएसपी जतिंदर औलक पर भी दबाव डालते हुए जांच में ढील बरतने का दबाव बनाया था। इतना ही नहीं, एक बार तो इस केस की जांच कर रहे मुख्य अधिकारी को साइन किया हुआ ब्लैंक चेक भेजा गया और कहा गया कि तुम जितनी चाहो उतने पैसे इसमें भर लो और प्रत्यर्पण की अपील वापस ले लो। साथ ही जांच में भी नरमी बरतने को कहा गया था, मगर वो भी अधिकारी नहीं बिका और इसी का नतीजा रहा कि जस्सी की हत्या के मुख्य आरोपी उसकी माँ और मामा को कनाडा से भारत लाया गया। उन्हीं ईमानदार अधिकारियों की वजह से कुछ लोगों को सजा हुई। इस केस के सिलसिले में पंजाब पुलिस की ईमानदारी को कनाडा ने भी सलाम किया था और इस केस की जांच करने वाले अधिकारियों को बुलाकर सम्मानित किया था। वैसे ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों का तो असल सम्मान तब होगा जब इस मामले में सही फैसला आएगा और जस्सी और मिट्ठू को इंसाफ मिलेगा। दोस्तों, आप इस पूरे केस पर क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम लगातार इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।